सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। घर का वैद्य सीरीज की इस श्रृंखला में आइए बात करते हैं अनार के बारे में। अनार अमूमन तीन प्रकार का होता है, खट्टा, मीठा और खट्टा मीठा। इन तीनों की अपनी विशेषता है। मीठा अनार वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करके स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है। अनार का सेवन शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि के साथ शरीर में स्फूर्ति और कांति पैदा करता है। आइए जानते हैं इसके औषधीय गुण के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सारांश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप तक लेटेस्ट जानकारियां पहुंचती रहेंगी। पेट दर्द में मीठे अनार के 50 ग्राम दानों में इसी काली मिर्च मिलाकर खाने से आराम मिलता है। मीठे अनार के दानों का रस रात में किसी साफ लोहे के पात्र में रख दें, प्रातः काल उसमें जरूरत के अनुसार काली मिर्च मिलाकर पिएं, पीलिया में काफी लाभदायक है। मूर्छा एवं किसी प्रकार की खांसी के लिए अनार का सेवन करना चाहिए। अनार का सेवन शरीर सशक्त एवं पुष्ट बनाता है। गर्मी में नेत्रों की जलन, गले में खुश्की, हृदय में छटपटाहट आम बात है। अनार दानों का शरबत बनाकर पीने से तीनों तकलीफों में राहत मिलती है। लाल अनार का छिलका कूटकर छानकर पीसकर रख लें। नित्य प्रातः और सायंकाल 4-4 ग्राम चूर्ण ताजे पानी के साथ 2 सप्ताह तक लेने पर स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। मसाने की गर्मी एवं बार बार पेशाब जाने की स्थिति में अनार के छिलके का बारीक चूर्ण का सेवन सुबह शाम ताजे जल के साथ करें, मूत्र विकार ठीक हो जाएगा। अनार के फूल को छाया में सुखाकर पीसकर मंजन करने से मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाता है तथा दांत मजबूत बनते हैं। 5 ग्राम अनार के पिसे छिलकों की फक्की दिन में 2 बार कुछ दिनों तक ताजे पानी के साथ लें। साथ ही अनार के छिलके उबालकर उसके पानी से कुल्ला करें, मुंह की दुर्गंध शीघ्र समाप्त हो जाती है। नाखून टूटने के कारण दर्द होने पर अनार के पत्ते पीसकर बांधें, काफी राहत मिलेगी। गर्मी के दिनों में अनार का शरबत पीने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी दूर हो जाती है।